जैसा कि आप जानते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कोरोना काल में भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ा है और उपभोक्ता अलग अलग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजली पेमेंट का, अपने पानी की पेमेंट के लिए, ग्रोसरीज की खरीदारी के लिए और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। पेटीएम, जिसके थ्रू यूज़र्स अभी तक पेमेंट करते आ रहे थे, अब पेटीएम का इस्तेमाल करना उनको महंगा पड़ सकता है। चल पेटीएम साइट के मुताबिक पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट कार्ड के जरिए रुपए ऐड करने पर 2.5% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। यदि आप अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे अपने वॉलेट में रुपए डालने के लिए, तो आपको 3% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जो दूसरे क्रेडिट कार्ड से थोड़ा सा महंगा आपको पड़ेगा। और ये नियम पेटीएम ने 15 जनवरी 2021 से लागू कर दिया है। 15 जनवरी से पहले पेटीएम क्रेडिट कार्ड के जरिए वॉलेट में रुपए डालने के लिए सिर्फ 2% का एक्स्ट्रा चार्ज लेता था, मगर अब पेटीएम पे आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पे 2.5% का चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा और अमेरिकन एक्सप्रेस पे 3% का एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। हालांकि किसी भी मर्चेंट साइट पे पेटीएम से पेमेंट करने पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा पेटीएम से पेटीएम वॉलेट में भी ट्रांसफ़र करने पर भी कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। और साथ में यदि आप पेटीएम वॉलेट से किसी भी बैंक अकाउंट पे मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तब भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। वहीं डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए पेटीएम वॉलेट में रुपए ऐड करने पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको बता दें कि पेटीएम अपने चार्जेस में चेंजेस हमेशा से करता रहा है। अब देखते हैं उपभोक्ताओं का रुख इस चेंजेस के ऊपर क्या रहता है। इस तरह की टेक न्यूज़ मैं आपके लिए और भी लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।